दोस्तों देखिए लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये दुर्घटना आप लाइव देख रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एक टेम्पू आ रहा था होटल पुनाहना की तरफ से और ये DLT आ रही थी होटल की तरफ से, खाली DLT है और यहाँ अब ये प्रोसेस चल रहा है कि इसमें काफ़ी सवारी बताई जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 8-10 लोग इसमें मौजूद थे और देखिए जिस तरह ये उलट पुलट किया जा रहा है इसको, टेम्पू की तरह टेम्पू पता नहीं किधर है टेम्पू, देखिए ये इधर जैसी भी कर रही है कवर इनको और यहाँ पर ये टेम्पू उधर है, टेम्पू किधर है, टेम्पू कहाँ है, टेम्पू टेम्पू हटियो नीचे बिल्कुल हमारा काम का हटी तक, ये बिल्कुल टेम्पू खत्म हो चुका है और ये DLT का आगे का जो हिस्सा है और नीचे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि एक मरा हुआ बंदा है, दो है, काफ़ी है इसमें और ये जैसे काम कर रहे हैं हम दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए इसमें लगभग बताए जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि टेम्पो में लगभग 8-10 बैठे हुए थे और यहाँ प्रोसेस चल रहा है इनको बचाने के, दो दो JCB हैं, एक JCB इधर है और एक JCB उधर है, पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, पूरा बचाने का जो कार्य चल रहा है और देखते हैं अब इसमें। देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बरसात का मौसम है, देखिए मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीर ये है, टम्फर होटल की तरफ से आ रहा था और ये जो ऑटो है ये वहाँ से आ रहा था पुनाहना की तरफ से आ रहा था, कितने 8-10 8-10 पड़े हैं, 3-4 दबे हुए हैं, ये डंपर घनी स्पीड पे घनी स्पीड पे आ रहा था, मैं भी इसके पीछे पीछे ही था और ये बहुत ही स्पीड पे था डंपर, अगर हाँ ये अगर बचाना चाहता तो ये बच सकते थे आदमी, अगर ये रोक लेता अरे ब्रेक लेता ये रुक जाता था कि ये बच जाते, टेम्पो वाला सही मायने पर रास्ता में था टेम्पो वाला और ये हाई मारा था स्पीड पे, जब देख मारा 6-7 मर लिए और मर तो सभी लिए थे, एक आध नीम के कोई एक बेवा के साथ चल रहे, एक आध बस एक आध आदमी के साथ चल रहे, कुछ नहीं है इनमें, ऑटो का पता है कि ऑटो कहाँ का था, ऑटो एक नीम का वाला के साथ चल रहे बाकी सारे मर लिए, नीम का वाला गया हॉस्पिटल, हाँ वो कर दिए, पुलिस ने आई एक घंटा तक तो यहाँ पे, पुलिस नहीं आई इंदाना से कोठी से पिछोर से, एक घंटा तक फोन करे इधर विधर से एम्बुलेंस ना आई, ये मशीन वाला आया था जोड़ान के नीचे से लेके आ रहे, जैसी भी यहीं खड़ी आसपास करी तो अभी अभी अंदर भी हैं, अंदर दबे पड़े हैं, अभी 3-4 लेट ज्यादा आई, पुलिस बहुत लेट आई। देखिए दोस्तों आपने देखा सुना और ये यहीं पर मौजूद थे ये लोग, इन्होंने बताया कि डंपर होटल की तरफ से आ रहा था और ऑटो पुनाहना की तरफ से आ रहा था और डंपर बहुत ही स्पीड थी और उसे भी पुलिस ने इन डंपरों के लिए अभियान चला रखा, पुलिस डंपरों को घर से पकड़ पकड़ के ला रही है लेकिन फिर भी ये डंपर रोड पर दिख रहे हैं, एक ओवरलोडिंग के कारण ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, एम्बुलेंस आ चुकी है और ये लगभग सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 8-10 एम्बुलेंस दोबारा आई है, डेड बॉडी पटक पटक कर रही है, ये दोबारा एम्बुलेंस आई है, दोबारा टेम्पू में भी पट गए, हमने टेम्पू में डिलीवर उसमें भी पटकी, एक मरा हुआ तो उसमें पटका उसके उसमें भी है, देखिए दोबारा एम्बुलेंस आ रही है और ऑटो में भी ले जाया जा रहा है, जैसे भी निकल रहे हैं लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, बचाव अभियान चल रहा है यहाँ का और यहाँ जैसे भी इनको निकालते जा रहे हैं तो लोग यहाँ के जो ग्रामवासी हैं यहाँ के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पर वो मदद कर रहे हैं, फुल भरपूर मदद कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए बरसात हो रही है, बरसात का मौसम है, देखिए बरसात हो रही है और ये एक मेवात में सबसे बड़ी दुर्घटना है, एक इतनी बड़ी दुर्घटना है कि 8-10 आदमियों का मरना एक साथ और ये बताया जा रहा है कि एक इनमें नीमका का भी बताया जा रहा है मेरे गांव का, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ है, अभी निकाला जा रहा, देखिए टेम्पू दिख नहीं रहा है, टेम्पू का बिल्कुल कचूमर बना दिया गया है, टेम्पू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये अगला हिस्सा है, हटना भाई एक तरफ,
ये ये बचाव अभियान में लग रहे हैं, लोग बचा रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, और जेसीबी भी अपना प्रोसेस कर रही है, काम कर रही है अपना, ये भी इनको निकाल निकाल कर हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जैसे भी इनको निकालते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और देखिए रोड जाम है इधर से भी और उधर से भी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। 8-10 लोगों को मरना एक साथ, और वो भी एक्सीडेंट में। ये मड़िया की मोड़ है, मड़िया की चौराहा है, यहाँ पर मड़िया चौक के सामने बिल्कुल इधर ये घटना हुई है। यहाँ पर हटिए भाई थोड़ा सा, ओए हटिए हटिए, यहाँ पर देखिए इधर ये जैसे भी प्रोसेस अपना बचाव अभियान चला रही है। इधर ऑटो है, उधर बिल्कुल ऑटो खत्म हो चुका है, और ये DLT है, यहाँ पर दूसरी जैसी भी है। क्रेन को फ़ोन कर दिया गया है, क्रेन आ रही है, और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और जितने भी ग्रामीण वासी हैं यहाँ पर पूरा बचा रहे हैं, पूरा अभियान चला, पूरा उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें दबे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेवात में एक बहुत बड़ी घटना है। कितने लोगों की? 12 लोग बताए जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक अभी तक 12 लोग बताए जा रहे हैं। कितने मर चुके? एक अभी को एम्बुलेंस में ले गए, 8 गए, घायल हैं या मर चुके हैं? 8 लोग अभी तक मर चुके हैं, 8 लोग अभी तक मर चुके हैं, और बाकी के अभी 2 बच रहे हैं। इसमें कितने बच रहे हैं दबे हुए? अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन एक दिख रहा है। देखिए ये पूरा अब जैसी भी काम कर रही है, कार्य कर रही है, अपना बचा रही है अपना जैसी भी पूरा अपना। देखिए DLT, ये DLT है, और इधर जैसी भी अपना काम कर रही है, और इधर ये रोड जाम है। देखिए ये मड़िया की मोड़ है, मड़िया की मोड़, मड़िया की चौक है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रही होगी, सद्दीक रेस्टोरेंट एंड मिष्ठान भंडार के सामने जस्ट ये दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, और लोग बचा रहे हैं इनको और निकाल रहे हैं। देखिए अब उधर जैसी भी अपना कार्य कर रही है, जैसी भी निकाल रही है, जैसी भी बचा रही है। देखिए जैसी भी अपना कार्य कर रही है, और बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में भी लोग इतनी मदद कर रहे हैं इनकी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये पूरे ग्रामीण वासी हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए पूरे ग्रामीण मड़िया की झारोकड़ी नई बिछोर इंदाना सारे गांव के लोग आ चुके हैं और इनकी मदद कर रहे हैं भरपूर। इनको निकाला जा रहा है और इनको हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। अब देखते हैं कि कितने लोग घायल हैं इसमें, और अभी तक सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि लगभग 8 लोग मर चुके हैं और 2-3 इसमें बचे हैं। ये मेवात में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, एक DLT के कारण। देखिए DLT के कारण एक इतनी बड़ी दुर्घटना है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जैसा भी हमने आपको सुनाया था, लोगों ने बताया था कि DLT बहुत स्पीड से आ रहा था, और आपको भी पता है पुलिस अभियान चला रही है, सर्च अभियान चला हुआ है DLT और डंपर ओवरलोडिंग को बंद करने के लिए। पुलिस हर रोज़ नाकों पर मौजूद है, फिर भी इन DLTOs पर नकेस नहीं कसी जा रही है। देखिए जैसी भी अपना कार्य पूरा कर रही है, जैसी भी बचा रही है इनको, और वो तो यहाँ पर ये दोनों जैसी भी मौजूद थी। ये जैसी भी किसकी हेल्प में आई है सर? शायद ये दोनों जैसी भी हेल्प के लिए आई है, इनकी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। देखिए अब ये टेम्पू ख़त्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है टेम्पू, और अभी इसमें दबे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए सड़क से बिल्कुल बहुत ही हटकर। अब बताया जा रहा है कि एक नीमका का भी है, थोड़े उसके सांस चल रहे हैं, पता नहीं नीमका का कौन है और कहाँ के हैं, वो तो शिनाख्त के बाद पता चलेगा, पहचान के बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं हुआ है, कि और कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हैं। और अब देखते हैं कि घायल तो अभी तक कोई निकला नहीं है, सभी मरे निकले हैं, सब ने दुनिया से अलविदा कह दिया है सबने। देखिए ये टेम्पू को निकाल रही है, जैसी भी टेम्पू को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टेम्पू, और टेम्पू DLT ने अपने चेहरे जो उसका बोनट होता है, जो इसका अगला हिस्सा होता है, उसके नीचे बिल्कुल दबा रखा है, कीकरों से आ नहीं रहा है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है, और यहाँ झुंडे भी हैं, कीकर याव भी हैं। देखिए
ये अब जैसी भी अपना कार्य कर रही है और इधर रोड जाम है, पूरा रोड जाम है। देखिए उधर 112 गाड़ी भी पहले ही आ चुकी थी और यहाँ वे भी लोग मदद कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं ग्रामीण यहाँ पर। और ये लोग पूरा यहाँ पर पूरी भीड़ है और पूरे लोग आ चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए और इनको बचाने के लिए सब मदद कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। और बिल्कुल रोड जाम है और देखिए चारों तरफ से रोड जाम है यहाँ पर। और ये एक इधर जैसी भी बची हुई है यहाँ लगी हुई है, वो भी अपना कार्य कर रही है। ये जैसी भी अपना कार्य कर रही है यहाँ पर, देखिए उधर निकल चुका है, उधर उसको ले जाया जा रहा है। वो मुझे लगता है कि 112 में उन्होंने बिठा दिया है लेकिन वो मर चुका है। काफ़ी देर तक कोशिश कर रहे थे लोग निकालने की लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, अब निकल रहा है। तो 112 में उसको बिठा दिया है। देखिए ये टेम्पू है, इसको टेम्पू को अब निकाल लिया गया है, टेम्पू को जेसीबी ने उठा लिया है, निकाल रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद की घटना है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक इतना बड़ा सदमा है मेवात में कि 10 लोगों का एक साथ मरना, वो भी टेम्पू में एक्सीडेंट में, रोड दुर्घटना सड़क में। दुर्घटना क्यों होती है आप बताइए, दुर्घटना सबसे बड़ा सवाल है कि सड़क दुर्घटना हमारी मेवात में क्यों होती है। बस इसलिए होती है कि यहाँ पर सड़क सिकुड़ी है और ट्रैफिक यातायात के साधन ज़्यादा हैं लेकिन सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सड़कों को चौड़ा नहीं करती है, खाली बस उनकी घोषणा कर देती है कि भाई हाँ हम फोर लेन करेंगे। फोर लेन कब करेंगे, पता नहीं कितने लोगों को दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा तब इनको फोर लेन किया जाएगा। लोग इतनी मदद कर रहे हैं कि ना कि अपने कपड़े देख रहे हैं, ना अपना शरीर देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। देखिए मेवात में एक इसी नाम से जानी जाती है मेवात, देखिए टेम्पू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टेम्पू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो ऑटो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आप देखिए, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये DLT है। अब लोग अभी भी सर्च अभियान चालू है, देखा जा रहा है कि कितने लोग अभी नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग नहीं दबे हैं। अभी कार्य चालू है और चल रहा है, लोग देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल अब टेम्पू को निकाल लिया है, अब देखते हैं कि DLT के जो अगला बोनट है उसमें देखा जा सकता है कि कितने लोग नीचे दबे हैं। अब जैसी भी अपना कार्य कर रही है, जैसी भी अपना पूरा कार्य कर रही है और दो दो जैसी भी ला रखी हैं और लोग अपने इतनी मदद कर रहे हैं लोग आपस में कि बहुत ज़्यादा लोगों की और पहचान कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हैं ये लोग, वो तो पता लगेगा और अस्पताल में पता लगेगा कि पहचान की जाएगी उनकी कि कौन कौन है। एक बहुत बड़ी घटना है, ये कब हुआ था दुर्घटना, किस समय हुई लगभग अंदाजा? ज़्यादा 15-20 मिनट पहले की बात है लगभग। ये घटना 3 बजे हुई थी जब बरसात चालू थी, बरसात आना चालू था। तो जैसे भी अपना पूरा कार्य कर रही है, जैसे भी अपना पूरा कार्य कर रही है और लोग टेम्पू में देख रहे हैं कि कोई इधर उधर तो नहीं फंसा हुआ है, नहीं दबा हुआ है। देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है इनको मदद करने के लिए और देखने के लिए, उनके शनाख्त करने के लिए, पहचान के लिए। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए लोग मदद कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। देखिए ये जैसे भी अपना पूरा कार्य कर रही है, उधर भी अपना कार्य कर रही है, देखिए यहाँ अपना पूरा कार्य कर रही है और जुनैद पहलवान भी अपना पूरा कार्य कर रहे हैं, वो भी भरपूर मदद कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैद पहलवान बतरो, क्या नाम है? जैद पहलवान अपनी लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं। देखिए झुंडों में देख रहे हैं कि क्या इधर उधर तो नहीं है कोई भी है। अभी तक लोग बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 8 लोगों को यहाँ पर भेज दिया है, मतलब वो मृत्यु हो चुके हैं, मर चुके हैं। और यहाँ में इसमें है नहीं, यहाँ पर तो नहीं है कोई। अभी देख रहे हैं लोग इधर उधर देख रहे हैं और इस DLT के नीचे पता नहीं अभी है या नहीं है। लोग अपना पूरा कार्य कर रहे हैं, बचा रहे हैं। देखिए पूरा प्रोसेस, पूरे लोग ना अपनी कोई परवाह नहीं करते हुए इतनी मदद कर रहे हैं, दूसरे की बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। पूरी जानकारी अभी बाकी है, पूरी जानकारी जानने के लिए DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपडेट आप तक देते रहेंगे।